हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको जो ट्रिक या कंसेप्ट देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस ट्रिक या कंसेप्ट पे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो रहता ही है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो इसलिए हम इस ट्रिक को बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि जब है रफ़ी सर आपके साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। तो देखिए, आज हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ एल्किन। जी, आप सही सुन रहे हो, आज हम एल्किन का कर देंगे ऑपरेशन। डॉक्टर बनने से पहले ऑपरेशन, वो भी किसके साथ? रफ़ी सर के साथ। तो एल्किन का ऑपरेशन करेंगे। तो एल्किन का जो ऑपरेशन होगा वो दो तरीके से होगा। एक बार कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे, ध्यान दो ये सब बस समझाने के लिए, एक बार कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे एल्किन का और एक बार पार्शियल ऑपरेशन करेंगे। कंप्लीट ऑपरेशन का क्या मतलब है कि एल्कीन में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है जिन दो कार्बन के बीच, उनको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। देखो, पहला पॉइंट, सिग्मा एंड पाई दोनों जब ब्रेक होंगे तो मेरा वहां पे सेंस होगा कंप्लीट ऑपरेशन, दैट मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन यू कैन से। ओके, तो ऑपरेशन कर देना है, सिग्मा और पाई दोनों अगर ब्रेक कर दिए, आपको क्या करना है समझने के लिए, आपको कैंची चलाना है। और कैसे? परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो कैसे चलाना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझे, जैसे ये पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, तो ऐसे कट करना आपको, परपेंडिकुलर ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर चलाना है। तो यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड को कट कर दिया, मतलब दो फ्रेगमेंट बन जाएगा, और इधर भी ऑक्सीजन भर देना, इधर भी ऑक्सीजन भर देना है, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन किया है तो पेशेंट को जिंदा रखना पड़ेगा ना, तो ऑक्सीजन भर देंगे। और इसके लिए रिएजेंट क्या, दवा क्या दोगे? अरे दवा तो दोगे ना कुछ, तो उसके लिए दवा है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो काम ये करेगा वही काम ये भी करेगा, राइट? KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, राइट? या फिर K2Cr2O7H+ दे सकते हैं। दैट मीन्स एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, या एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट, या फिर ओजोन। ये या फिर ओजोन ही ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ZN या Me2S भी उसमें ऐड है, तो फिर क्या होगा वो भी देखेंगे। तो इन सब केस में, ये जो मैंने रिएजेंट या ये मेडिसिन दिखाया है, इन सब केस में आपको कंप्लीट ऑपरेशन करना है। और ये यूज कहाँ होता है ये सब रिएजेंट? टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। ओके, नाउ पार्शियल ऑपरेशन से क्या मतलब है सर आपका? तो पार्शियल का मेरा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मैं किसको ब्रेक करूंगा, पाई बॉन्ड को, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। तो जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के दो सिग्मा बनता है, तो एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। सर अगेन, इसके लिए क्या मेडिसिन आप सजेस्ट करोगे? तो इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन है, राइट? क्योंकि पार्सल क्या है ना, तो बहुत सारे मेडिसिन है। एक H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हो सकता है, या HX वेयर X कैन बी CL BRI, राइट? ये सब ऐड कर सकते हैं, या फिर BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH-, या HgOH2 NaBH4, या KMnO4 कोल्ड एंड डायलूट मीडियम में। ध्यान दें, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे KMnO4 एसिडिक मीडियम में, ये डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन में, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या HOX, या फिर हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन हमने ले रखे हैं, तो इसका मैं एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसपे आपको कैसे करना है वो बताऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस मेडिसिन पर वर्क करेंगे कि अगर मैंने एल्किन का कंप्लीट ऑपरेशन कर दिया तो कैसे करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक की, जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं। तो देखो, कहीं पे भी आपको एल्कीन दिख गया, क्या? एल्कीन, और इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख जाए, ध्यान से देखो, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दिख जाए, या फिर KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दिख जाए, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दिख जाए, इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख गया, या फिर ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड एंड वाटर, ये मिल जाए। बात को समझ रहे हो, कहीं पे भी एल्कीन ये तीनों रिएजेंट में से कोई मिल जाए, या ये रिएजेंट ये मिल जाए, या फिर ये मिल जाए, तो आपको क्या कर देना है, ऑपरेशन। डैट मीन्स करना क्या है, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको परपेंडिकुलर कट कर देना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा कट कर देना है, क्योंकि ओजोन के बारे में आपको मालूम है, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है, ध्यान से देखो, बेंट या वी शेप या एंगुलर, कैंची की तरह, तो इसलिए कैंची चला देना और कट कर देना है।
तो समझ के बाद आपको कट कर देना, चाहे ये रिएजेंट हो या ये रिएजेंट हो, कट कर देना और फ्रैगमेंट बना देना। और कट करने के बाद जिंदा भी रखना है ना, तो ऑक्सीजन भर देना है, दोनों को ऑक्सीजन दे देना। यहाँ तक तो दोनों में करना ही है। नाउ अब चेंजेज होगा, अगर ये आपने लिया तो फिर ये कट करने के बाद फिर आपको देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन तो नहीं है। ध्यान दे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ये नहीं कि इधर हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो उसको फिर OH कर देना है, अगर नहीं है तो एज इट इज छोड़ देना। इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, इधर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कार्बन कार्बन है तो एज इट इज रहने देना है, उसको कुछ नहीं करना है। इधर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कार्बन था, एज इट इज रहने दिया, हाइड्रोजन था तो OH करना है। कब? जब इन तीनों में से कोई होगा। तो अगर सर ये होगा तो क्या करना है, ये होगा तो फिर टेंशन ही खत्म, बस कट करके छोड़ देना है। तो डैट मीन्स देखो, ये कार्बन कार्बन ऐसे ही रहने दिया, इधर वाला कार्बन हाइड्रोजन ऐसे ही रहने देना यहीं पे। इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलेंगे? रिडक्टिव, क्योंकि वहीं पे छोड़ दिया। और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बात समझ में आ गई? तो सर ऐसा क्यों हुआ ना, तो क्वेश्चन ऐसा क्यों हुआ, तो वो भी सिंपल है। यूनो ओजोन आपका बहुत हाईली अनस्टेबल है, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन सारे चीज के पीछे यही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यही नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर नेसेंट ऑक्सीजन को आपने ट्रैप नहीं किया, नेसेंट ऑक्सीजन को आपने नहीं पकड़ा, तो रिएक्शन फर्दर हो जाती है, इसलिए कंप्लीट आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाता है। यहाँ पे जिंक क्या करेगा, वो जो आपका ऑक्सीजन था नेसेंट वाला, उसको लेकर के खुद जिंक ऑक्साइड में, तो इससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी। या डायमिथाइल सल्फाइड उस ऑक्सीजन को लेकर के डायमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड बना लेगा। बात समझे? तो इसलिए ये ऐड करने से आपका जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ये भी खा जा रहा है, तो इसीलिए रिएक्शन हमारी यहीं पे रोक देना है। नहीं होगा तो नहीं खा पाएगा, तो फिर यहाँ तक जाएगी। तो बात समझ गए, ट्रिक समझ गए, बहुत ईजी है। कैंची की तरह कट कर देना है, चाहे ये हो या ये हो, कट कर देना है। कट करके ऑक्सीजन भर देना है, जिंदा रखना है, क्योंकि उसके बाद अगर आपका ये है तो डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो OH करना है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है। और इस केस में तो सिंपल है, बस कट करके ऑक्सीजन भर दो। तो चलिए अब हम इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना है आपको, कि अगर आपको ऑपरेशन करने आ रहा है तो जोड़ने भी आना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है कट किया है तो जोड़ने भी आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछता है कि ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ये है तो एक्चुअल रिएक्टेंट कौन होगा, डेट मीन्स एल्किन कौन सा होगा। तो उसके लिए भी इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है, आपको क्या करना है, जो जो सी डबल बॉन्ड हो उसको सामने कर करके इसको क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे और सी डबल बॉन्ड सी बना दोगे, तो आपका बैक रिएक्टेंट आ जाएगा। तो इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और अगर ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट क्या होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, जोड़ने आना चाहिए। जहां जहां सी डबल बॉन्ड हो दिख रहा है तो उसको क्या कर देना है, सामने ला कर करके दोनों ऑक्सीजन को फिर से निकाल लेना, सी डबल बॉन्ड सी बना देना है। अगर OH अगर आ गया है तो इसका मतलब वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाला है, राइट। तो OH को पहले क्या करोगे, H में कन्वर्ट कर दोगे। ध्यान से देखो, OH को H में और C डबल बॉन्डों को और दूसरे मॉलिक्यूल के C डबल बॉन्डों को जोड़ करके दोनों ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। समझ के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो 2023 में 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है कि 2-hexene और O3 एंड वाटर है तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक तो रफी सर का ट्रिक देखो, कैसे एग्जाम में आपको सोचना होता है, 2-hexene है, डैट मीन्स नॉर्मल एल्किन है ये, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और चूंकि ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है, राइट, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना, वो भी कौन सा, ऑक्सीडेटिव वाला। तो डैट मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन होगा ही, और वो हाइड्रोजन होगा तो OH में जाएगा, मतलब ओइक एसिड वाला बनना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखो, अल है और अल्डिहाइड है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ ओइक है बराबर है लेकिन यहाँ अल्डिहाइड है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ अल है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ ओइक है यहाँ इक है, तो डैट मीन्स ये होगा, क्योंकि दोनों फ्रेगमेंट हमारा एसिड ही बनने वाला। कैसे, अगर नहीं सोच पाए तो ध्यान से देखो, 2-hexene का मतलब क्या हो गया, आपका 6 कार्बन का चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 पे डबल बॉन्ड, राइट। उसके बाद सर ने क्या बोला है कि ध्यान से देखो, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बनाए तो एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, राइट। चूंकि O3 वाटर लिया तो हमने क्या बोला,
परपेंडिकुलर कट करो, यहाँ ऑक्सीजन भरो, यहाँ ऑक्सीजन भरो। तो जब ये भरते तो ध्यान से देखो, ये आ जाता सी डबल बॉन्ड ओ और ये हेच को क्या कर देते ओ एच, तो यही आपका क्या हो गया एसिटिक एसिड। और इधर वाला पार्ट ध्यान से देखो, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ और ये हेच ओ एच में, तो ये क्या हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में आपको कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है और उसका ओजनोलिसिस कर रहे हैं, ओ थ्री का 1 मोल लिया है, तो 1 मोल इथेनल मिल रहा और 1 मोल प्रोपेनोन, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये 8 अप्रैल को शिफ्ट 1 में 2023 में पूछा हुआ है। तो मोलर मास एक्स का बताना है, तो ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे सोच रहे हैं, अलवर्ड लगा है, अलवर्ड लगा है, इसका क्या मतलब हो गया अल्डिहाइड मिल रहा है, डैट मीन्स रिडक्टिव ओजनोलिसिस हो रहा है और ये तो प्रोपेनोन है, राइट। एक और हमें कैसे पता लग रहा है कि 1 मोल ओजोन जब आपने लिया तो 1 मोल इसका मिल रहा है, 1 मोल इसका, 1 मोल अगर मैं ओजोन लिया 1 मोल ओ थ्री तो मेरे को कितना ऑक्सीजन मिला, 3 ऑक्सीजन मिला, एक ऑक्सीजन तो यहाँ आया इथेनल में, एक ऑक्सीजन यहाँ आया, तो एक और ऑक्सीजन क्या हुआ, तो वही वो जिंक या Me2S खाया होगा, इसका मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। और ये वो वाला केस है जहाँ पे अगर आपको कट किया है तो जोड़ने भी आना चाहिए, तो आप इथेनल बना लो क्विकली, कैसे बनाएंगे, तो C डबल बॉन्ड ओ और इथेनल है, इथ है, तो एक 2 कार्बन हो गया और एक हाइड्रोजन, ये बना लिया। दूसरा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मतलब सी डबल बॉन्डों को सामने रखो और 2 CH3, और आपको क्या बोला था जब अगर कट करने आया है तो जोड़ने भी आना चाहिए, तो दोनों ऑक्सीजन को हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा CH3H, सी डबल बॉन्ड सी, इधर CH3, इधर CH3। तो आयु पैक नेम पूछ लेता है कितने सिग्मा पाए, वो भी पूछ लेता है, अभी आपसे पूछा है इसका मोलर मास, तो कितने कार्बन ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो 60, तो वो हो गया प्लस 9 और 1 10 हाइड्रोजन, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 70, सो योर आंसर विल बी 70। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक C6H8 करके कोई हाइड्रोकार्बन था जिसका 1 मोल 2 मोल H2 से रिएक्ट करता है कैटोलिटिक हाइड्रोजनेशन में, और इसके 1 मोल का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो 2 मोल्स आपको मिलता है मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड, तो ये कौन सा होगा। तो देखो इसको एक तो रफ़ी सर के अकॉर्डिंग आप थिंक करो, कैसे सर थिंक करते हैं ध्यान से देखो, मुझे क्या बोला 2 मोल्स मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड, मैं इस वर्ड को पकड़ूंगा, मीथेन मतलब 1 कार्बन और इस पे 2 अल्डिहाइड ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये होना चाहिए, ये हो गया आपका मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड। और एक और इन्फॉर्मेशन दिया कि इसका 1 मोल 2 मोल H2 रिक्वायर्ड हो रहा है, इसका मतलब इसमें 2 ही पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला कि 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है 1 3 5 पे। अब इनमें से होगा, ध्यान से देखो 2 मोल्स मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड बनने का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तभी इसके 2 मोल्स मिले, राइट, और मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो 1 पे मिथाइल लगा हुआ है तो एक साइड, तो ये नहीं हो सकता। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन पे भी सिमेट्री होना चाहिए तो 1 4 में आमने सामने का होना चाहिए तभी सिमेट्री होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, ऐसे सोचना है आपको। नाउ अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो समझो कैसे, साइक्लोहेक्सा 1,4-diene क्या हो गया, साइक्लोहेक्सा 1,4-diene का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो वही कह रहा था मैं कि देखो मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, मॉलिक्यूल में जब सिमेट्री होगा तभी 2 मोल सेम मिलेंगे। अब आपको बताया कि आपको कैसे कट करना है, तो परपेंडिकुलर कैंची चला देना है, चला दिया और चला देना, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ध्यान से देखो यही CH2 सी डबल बॉन्ड OH, क्योंकि यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होंगे, यहाँ पे भी H होंगे, यहाँ 2 मोल सेम मॉलिक्यूल के मिल रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा डी, 1 3 वाला नहीं हो सकता। तो आपको इस तरीके से थिंक करना है, ये सब क्वेश्चन टफ लेवल में आता है बट रफ़ी सर के ट्रिक से बहुत ईजी हैं। और एक आप ऐसे भी सोच सकते थे, चूंकि आपको ये दे दिया है मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड का 2 मोल्स मिल रहा है, तो आपको बता रखा हूँ जोड़ने भी आना चाहिए, तो आप क्या करो CH2 सी डबल बॉन्ड O ये दिखा लो, इसका H और ये सी डबल बॉन्ड O इसका H, इसके 2 मोल्स हैं, तो ऐसा ही नीचे बना लो और सी डबल बॉन्ड O को सामने रखना है क्योंकि आपको वो हटाने भी आना चाहिए, तो ये ऑक्सीजन हटा दो, ये ऑक्सीजन हटा दो, आपका ये मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 ऑप्शन गिवन थे और पूछा जा रहा था कि किसको जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा ओजोनोलिसिस पे,
तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कुछ जो बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं कि इन सब में दो दो मिथाइल है, इसमें नहीं है तो यही डिफरेंट देगा, ऐसा नहीं होता, राइट। ध्यान से समझो, डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए तो आपको देखना है कि डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन कैसा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड पे एक है, इधर डबल बॉन्ड पे एक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, तो इसमें सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। यहाँ पे भी देखो, डबल बॉन्ड पे एक है, इधर डबल बॉन्ड पे एक है, तो यहाँ पे भी। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो दो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि आपको मालूम है आपको परपेंडिकुलर कट करना है। तो जब ये कट होगा तो सी डबल बॉन्डों पे दोनों साइड CH3 आएंगे, जबकि यहाँ पे ये कट होगा तो एक ही साइड CH3 आएगा, एक साइड नहीं आएगा। तो इसलिए यही आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देने वाले, क्योंकि यहाँ पे अगेन कट होगा तो एक एक CH3 मिलेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ये कोई कंपाउंड उसने लिया था और इसका दो रिएजेंट से रिएक्शन कराया, एक से तो ए मिला और ये कंपाउंड मिल रहा है, वाई से कराया तो बी मिला और ये सिमिलर कंपाउंड मिल रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन था, तो आपको एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना था। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है और डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है ओजोन वगैरह है, KNO4 ओजोनोलिसिस वाला कंसेप्ट है। आपको मालूम है इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, तो ये जो कार्बन है इसके दोनों साइड कार्बन है, इसलिए ये कीटोन वाला फिक्स हो गया। चाहे ऑक्सीडेटिव वाला एजेंट यूज करो या रिडक्टिव वाला, चेंजेज कहाँ पे आने वाले हैं, ये वाले पे, राइट। एक ए मिला, एक बी मिला, और ये कह रहा है कि अगर ए को फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो बी मिलेगा। इसका मतलब ये कौन हो गया, रिडक्टिव वाला, राइट, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करें तो मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव वाला है। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेटिव हो या रिडक्टिव हो, KNO4 डाइल्यूट तो यूज ही नहीं कर सकते, राइट, ये तो पार्सल में यूज होगा, तो ये गया, यहाँ भी डाइल्यूट है तो ये गया। अब इन दोनों में से कोई होगा, तो एक्स शुड बी रिडक्टिव, रिडक्टिव मतलब जिंक वगैरह लेना पड़ेगा, राइट, और वाई शुड बी ऑक्सीडेटिव, तो KNO4, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि C4H8 एक एल्कीन है जो दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहे हैं, ए एंड बी, तो इन दोनों में से आपको पहचानना है कि एक क्या हो सकता है। जब इसकी रिएक्शन KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कराया जा रहा है, तो एक तो गैस मिल रहा है उसको और एक कीटोन मिल रहा है, राइट। तो देखो रफ़ी सर कैसे सोच रहे हैं, गैस मिलने का मतलब क्या है, ये कब हो सकता है, चूँकि KNO4H+ लिया मतलब ऑक्सीडेटिव है, ये तभी हो सकता है जब सी डबल बॉन्ड सी हो और इसके दोनों साइड हाइड्रोजन हो। क्यों, क्योंकि इसको जब मैं ब्रेक करूँगा, डैट मीन्स कॉर्नर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसको जब ब्रेक करूँगा तो इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, राइट, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, समझ के बाद, और इधर में भी सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, और चूँकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे H है तो OH में चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेटिव है KNO4H+। फिर आपको मालूम है एक कार्बन पे दो H अनस्टेबल होते हैं तो वाटर को बाहर कर देना है, तो यहाँ से क्या जाएगा, CO2। इसलिए कभी भी ये वर्ड यूज हो, एफरवेसेंस ऑफ गैस मतलब CO2 है, और ये कब दे सकता है, जब आपका डबल बॉन्ड कॉर्नर वाले कार्बन पे हो। तो एक बात तो क्लियर है कि कॉर्नर पे होना चाहिए तभी ये होगा, कॉर्नर पे कहाँ पे है, वन इन पे है, राइट, टू पे तो नहीं हो सकता, टू पे नहीं हो सकता, और वन प्रोपीन या टू मिथाइल प्रोपीन तो यहाँ पे, इन दोनों में से होगा। दूसरा एक और बोल रहा है कीटोन मिलना चाहिए, कीटोन कब मिलेगा, जब इसके दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, और कार्बन होना चाहिए यहीं से देखो तो टू मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपीन, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आपको ऐसे एग्जाम में सोचना है, तो अब ध्यान से देखो, सी सी डबल बॉन्ड सी अगर ऐसा होता और इस पे ही, क्योंकि मुझे कीटोन चाहिए सी डबल बॉन्ड हो क्योंकि इसको ब्रेक करना है, तो इस पे ही अगर सी होगा तभी मैं जब ब्रेक करूँगा तो ये मुझे कीटोन मिलेगा, राइट, सी डबल बॉन्ड हो दोनों साइड सी, और इधर दो हाइड्रोजन अगर होता, डैट मीन्स टर्मिनल एल्किन होता, तभी मुझे CO2 मिलेगा। तो कहीं पे भी अगर CO2 मिल रहा है तो एक बात क्लियर है कि आपका डबल बॉन्ड कॉर्नर वाले कारण पर होना चाहिए, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन आपको मालूम है ऑक्सीडाइज होकर के फिर से CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा इधर वाला, क्योंकि वाटर बाहर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से पूछा गया है कि अगेन C4H8 है, उसको KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कर रहे हैं तो C3H6O मिल रहा है, उसी कंपाउंड का अगर ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो भी हमें सिमिलर कंपाउंड B ही मिल रहा है, तो A क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखो, अगर दोनों से सेम मिल रहा है तो ये तो आपको मालूम है कि ये ऑक्सीडेटिव है, डैट मीन्स ये भी ऑक्सीडेटिव है, राइट, और ये C3H6O मिल रहा है, एक ही ऑक्सीजन है मतलब ये कहीं ना कहीं कीटोन है, राइट,
और कीटोन है तो कैसे हम पता करेंगे, ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो उसको एच को एच कर देते एसिड, तो इसमें दो ऑक्सीजन आना चाहिए, एक ही ऑक्सीजन है, मतलब सी डबल बॉन्ड सी के इस वाले कारण पे दो मिथाइल तो चाहिए ही, दोनों कार्बन, तभी ये कीटोन बन पाएगा, तभी एक ऑक्सीजन है, क्योंकि ये कौन सा है, ऑक्सीडेटिव वाला है। अगर डबल बॉन्ड पे, आपको बता रखा हूँ, डबल बॉन्ड पे हेच होता है तो OH आ जाता है, इसलिए दो ऑक्सीजन यहाँ होते, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, पक्का कीटोन हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव है, इतना आपको सोचना पड़ेगा, और रफी सर हैं तो सोच भी लेंगे। तो ये तो आप ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ब्यूट टू इन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से देखो, क्योंकि ये सिंपल वाले हैं, इस पर डबल बॉन्ड पे हेच है तो OH आएगा, तो ये नहीं होगा। साइक्लोब्यूटेन एन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एल्किन चाहिए, अब इन दोनों में से कोई होगा, साइक्लोप्रोपीन या टू मिथाइल प्रोपीन, तो ऑब्वियस सी बात है टू मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन बोले तो 1, 2, 3 और 1, 2 पे ही मिथाइल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, ऑक्सीजन ब्रेक किया तो यही आपका मिल जाएगा C3H6O, और दूसरे साइड में ये दो हाइड्रोजन वाले, तो यहाँ से वही CO2 गैस मिल जाता है, क्योंकि इसका सी डबल बॉन्ड हो और H को OH करते, इस H को OH करते और वाटर बाहर जाता तो CO2। ये क्यों नहीं हुआ तो आप समझ सकते हो, 1-methyl cyclopropene, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, ए। अगर इसको चाहो तो बना सकते हो, 1-methyl cyclopropene बोले तो ये हो गया राइट, और इस पे एक मिथाइल, तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 कार्बन, तो C4 हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, 4 और यहाँ पे 2, 6 और यहाँ पे 2, 8, तो यही हो गया, तो यहाँ तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और हीट है, तो अगेन आपको मालूम है ऑक्सीडेटिव कराना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा, आपको बता रखा हूँ कि पहले आपको ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, तो ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड O और ये बाकी चीज़ें जैसे हैं वैसे रहने देना है, और ये डबल बॉन्ड O, ध्यान से समझो मैंने क्या किया, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इसको हटा दो थोड़ा सा राइट, अपने आप समझ में आ जाएगा, यहाँ पे सी है डबल बॉन्ड O, सी है डबल बॉन्ड O, इधर सी था डबल बॉन्ड O, और इधर 1, 2, 3, 4 कार्बन थे, तो 1, 2, 3, 4 आपको मालूम है इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन था राइट, तो हाइड्रोजन था तो क्या करना पड़ेगा उसको, OH, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, सिंपल। और अगर रिडक्टिव होता तो H रहता, एल्डिहाइड बन करके रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी अगेन ओजोन और ZnH2 है, तो रिडक्टिव करना पड़ेगा राइट, तो आपको क्या करना है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और ये भी ब्रेक करना है, तो ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये कार्बन है और इस पे दो हाइड्रोजन है, तो रिडक्टिव ही करना है, तो ये वाला कार्बन ले रहा हूँ तो मैं डबल बॉन्ड हो उसको भरा कट करने के बाद, और दो हाइड्रोजन इसके पहले गए थे, इधर वाला लोगे ध्यान से देखो तो ये आपका डबल बॉन्ड O रह जाएगा राइट, और दोनों तरफ इसके कार्बन थे, यहाँ पे ये कार्बन आ जाएंगे, ये पाई बॉन्ड जब आपने ब्रेक किया है तो ये सी डबल बॉन्ड O, इसका H रह जाएगा क्योंकि रिडक्टिव है, और ये सी डबल बॉन्ड O और इसका H रह जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि कभी कभी रिवर्स पूछा जा सकता है, तो इसलिए इन सबको ऐड करके ऑक्सीजन हटा देना आपको, तो ये दोनों यहाँ से ऐड हो जाते तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आता, ये दोनों यहाँ से ऐड हो जाते तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाता। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, ब्यूट टू इन KNO4 H+ ऑक्सीडेटिव हो जाएगा राइट, तो ब्यूट टू इन बोले तो आपका ये हो गया, और इसको ब्रेक कर देना है चूँकि इस पर H भी है यूनो, तो H किस में चला जाएगा, OH में, तो आपको दो मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड, इसके दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो बहुत ईजी है। और अगेन अगर मान लो कि बैक क्वेश्चन पूछा जाता कि दो मॉलिक्यूल ये मिला है तो क्या होगा, तो हमने बताया आपको OH जहाँ पे भी होगा उसको पहले H में कर देना, तो ये H कर देना, उसके बाद सी डबल बॉन्ड O को सामने करके बाहर निकाल देना, तो आपको बैक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट कि कोई कंपाउंड ए है उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, तो इथेन 1,2 डाइकार्बनडिहाइड और ग्लियोक्सल या ऑक्सलडिहाइड मिल रहा है, और बी कंपाउंड काम कर रहे हैं ओजोनोलिसिस रिडक्टिव, तो 5-ऑक्सोहेक्सेनल, तो ए एंड बी पहचानना था, तो ध्यान से देखो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। इथेन 1,2 डाइकार्बनडिहाइड, यू नो अल्डिहाइड जो है वो डॉन फंक्शनल ग्रुप है, तो इथेन 1,2 लिखने का मतलब क्या है कि दो कार्बन रहा होगा और इस पे सी डबल बॉन्ड OH होगा राइट, इस पे सी डबल बॉन्ड OH होगा, तो ये हो गया आपका इथेन डाइकार्बनडिहाइड 1,2, ये 1,2 क्योंकि अल्डिहाइड मैन
चेन या पेरेंट चेन में नहीं आ पा रहा। और ग्लियोक्सल किसको बोलते हैं, दो एडजेसेंट पे अल्डिहाइड हो तो इसको बोलते हैं ग्लियोक्सल या ऑक्सल डिहाइड। तो आपको मालूम है दो फ्रेगमेंट, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा प्रोडक्ट ये निकालना है। तो क्या करेंगे, अटैच करेंगे, राइट। तो अटैच कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, CH2, इसका ध्यान से देखो सी डबल बॉन्ड ओ सामने में रखा और एच, इसका भी सी डबल बॉन्ड ओ सामने में रखा और एच, और इसका ध्यान से देखो यहाँ पे मैं सी लिया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी लिया डबल बॉन्ड ओ और एच एच सामने में रखा, और क्या करना मुझे, ऑक्सीजन को निकाल देना है। तो ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स मेंबर की ये रिंग बन गए। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर नंबरिंग करोगे तो आप कहीं से भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर इसको मैं ओजोनोलिसिस करूँगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इधर CH2, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यही मिल जाएगा। तो इसलिए ए हमारा जो है वो ये हो चुका है, डैट मीन्स आपका ए जो है वो ये है, साइक्लोहेक्स 1,3-diene है। और रही बात इसकी 5-oxohexanal को कैसे पहचानेंगे, तो आप ध्यान से देखो 5 पे ऑक्सो और हेक्सेनल, हेक्सेनल अल है, राइट। तो 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की चेन बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी पे सी डबल बॉन्ड ओएच होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेनल हो गया, और 5 पे ऑक्सो, तो ये। अब इसका आपको कैसे बनाना है, तो वेरी सिंपल, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, तो ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4 और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो 5, 5 कार्बन की एक रिंग बना देनी है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे एक आपका मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो आपका ये हो जाएगा बी। और अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्डों को सामने करना मुझे, बीच में कितना कार्बन है, ध्यान से देखो 1, 2, 3 कार्बन है, तो राइट, तो 1, 2 और ये 3 कार्बन, ये थर्ड कार्बन पे ये सी डबल बॉन्ड ओ है और इधर मिथाइल निकला हुआ है, और इधर वाले कार्बन पे आपका ये सी डबल बॉन्ड ओ और एच था, और इसको आप बाहर निकाल दो। तो आप ध्यान से देखो यही बन गया कि नहीं, कैसे, तो आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग बना देना आपको, राइट, 3 और ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड पे मिथाइल, तो ये और ये सेम है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही बात है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ध्यान से देखो, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ओजोनोलिसिस वाले में या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन में कि वन प्रोडक्ट आपको CO2 मिल रहा है या एफर्विसेंस की बात कर रहा है, तो इन डैट केस पक्का आपको टर्मिनल एल्किन होगा ही। टर्मिनल एल्किन मतलब कॉर्नर वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन होना चाहिए, एकदम लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है जब मैं इसका ऑक्सीडेटिव करूँगा तो यहाँ ओ भरेगा, राइट, और फिर ये हेच ओ एच में चला जाएगा, ये हेच ओ एच में चला जाएगा, एक कार्बन पे 2H अनस्टेबल, तो वाटर के फॉर्म में बाहर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये वाला कार्बन, इधर से एक ऑक्सीजन, इधर से एक ऑक्सीजन, तो CO2 मिल जाएगा। तो कहीं पे भी CO2 की बात हो रही है ओजोनोलिसिस के केस में या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ एल्किन के केस में, तो पक्का टर्मिनल पे डबल बॉन्ड होगा। दूसरा डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है कि अल्डिहाइड मिल रहा है, तो अल्डिहाइड से हमें पता लग जाएगा कि पक्का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, डेट मीन्स ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर है या Me2S वाटर है। अल्डिहाइड अगर एक भी प्रोडक्ट अगर अल्डिहाइड दिख रहा है तो क्यों, क्योंकि जब भी आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो आइदर दोनों प्रोडक्ट आपको जो फ्रेगमेंट है दोनों कीटोन हो सकता है, दोनों एसिड हो सकता है, या फिर इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, कीटोन एंड एसिड, यू ऑलरेडी नो, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव में जो डबल बॉन्डेड वाले हेच हैं वो किस में चले जाएंगे, OH में, इसलिए एसिड बन जाएगा, और अगर हेच नहीं होगा तो कीटोन हो जाएगा क्योंकि कार्बन होगा। बट अगर रिडक्टिव हो रहा है तो एक प्रोडक्ट तो कीटोन हो सकता है, दूसरा अल्डिहाइड होगा, राइट, या दोनों ही कीटोन हो सकते हैं, या दोनों ही अल्डिहाइड हो सकता है, या फिर इनका मिक्सचर होगा। तो इसलिए कहीं पर अगर एसिड आ रहा है मतलब ऑक्सीडेटिव है, और अल्डिहाइड आ रहा है तो रिडक्टिव है, क्योंकि कीटोन तो दोनों में कॉमन है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आई एम टेलिंग, ऑक्सीडेटिव में एसिड आएगा उससे पहचान जाएंगे, रिडक्टिव में अल्डिहाइड जरूर आएगा तो उससे हम पहचान जाएंगे, राइट, कीटोन तो दोनों में कॉमन है। नाउ
कभी कभी जो बैक प्रोडक्ट आपको थिंक करवाएगा, और अगर ऑक्सीडेटिव वाला प्रोडक्ट दे दिया तो आपको क्या करना है, पहले OH को पहले हेच कर देना है, OH को पहले हेच कर देना है, फिर उसके बाद आपको मालूम ही है सी डबल बॉन्डों को सामने कर करके ऑक्सीजन बाहर कर देना है, सी डबल बॉन्ड बना देना है। तो आई होप मेरा ये ऑपरेशन ऑफ एल्कीन आपको बहुत पसंद आया होगा। आप जितने भी PYQs हैं वो कर सकते हो, मोस्टली हमने सारे आपको करवाई दिए हैं, आप इस टाइप के किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम बात करेंगे कि पार्शियल ऑपरेशन कैसे करेंगे। थैंक यू।